तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एबी टॉक के एक और नए एपिसोड को। और इस एपिसोड में भी भाई बहुत सारा इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आया है। आपको अगर जानना है तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखते रहना, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। तो आज पहला अपडेट आ रहा है चेन्नई एफसी की तरफ से। चेन्नई एफसी के साथ एक विदेशी खिलाड़ी का लिंक अप का अपडेट हमारे पास पहुंच चुका है, र्यूमर्स हमारे पास पहुंच चुका है, जिनका नाम है भाई मिलन मुरजाएव। एक कजाकिस्तान से बिलोंग करता है, उम्र है 31, राइट विंग इनका मेन पोजीशन है। इससे पहले कजाकिस्तान, तुर्की, रशिया और इजराइल में एक खेल चुका है, ज़्यादातर कजाकिस्तान में ही खेला है। कजाकिस्तान के क्लब डॉर्डो बिस्केक के साथ सबसे ज़्यादा उन्होंने अपीयरेंस किया है, सबसे ज़्यादा खेला है और अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा है उनका, अच्छा खासा एक्सपीरियंस उनके पास मौजूद है। और एशियन कोटा में जाएगा अगर एक खिलाड़ी आता है चेन्नई एफसी में, और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक अच्छा एक्सपीरियंस एशियन खिलाड़ी को साइन करने वाला है चेन्नई एफसी। अभी तक कंफर्म अपडेट नहीं है लेकिन बहुत ही एडवांस स्टॉक में है। इस खिलाड़ी के साथ शायद आपको बात बनते हुए दिखाई दे सकता है कुछ दिनों में, और मुझे लग रहा है कि एक अच्छा साइनिंग है और रेगुलर स्कोर करता है, गोल करता है और मुझे लग रहा है कि एज ए विंगर स्कोर भी करता है, एसिस्ट भी प्रोवाइड करता है। तो इस तरह का खिलाड़ी की सख्त जरूरत है चेन्नई एफसी की टीम में। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है भाई बेंगलुरु एफसी के खिलाड़ी एरिक पर्टेलू को लेकर। जैसे कि आपको दिख रहा है कि बेंगलुरु एफसी कप के लिए अपना जो कैंप है उसको स्टार्ट कर दिया है, प्रिपरेशन कर रहा है, लेकिन एरिक पर्टेलू अभी तक नहीं आया है उनके इस कैंप में। और एरिक पर्टेलू की तरफ से भाई एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। एरिक पर्टेलू ने कहा है कि मैंने ट्राई किया था क्लब से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन क्लब अभी तक मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है, हमें इग्नोर करा जा रहा है। मेरा जो मैनेजर है उन्होंने कॉन्टैक्ट किया था लेकिन अभी तक बेंगलुरु एफसी की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। और मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक एरिक पर्टेलू बेंगलुरु एफसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, तो कॉन्ट्रैक्ट में रहते हुए दूसरे किसी क्लब में नहीं जा सकता है, उनका फ्यूचर वो वाला क्लब ही डिसाइड करेगा। और यही भाई सोच रहा है एरिक पर्टेलू कि मेरा फ्यूचर क्या है अब बेंगलुरु एफसी में। अभी भी मुझे कोई रिपोर्ट नहीं दिया गया है कि मैं आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ, मुझे लेने वाला या नहीं लेने वाला है, कुछ भी नहीं आ रहा है। यही है भाई एरिक पर्टेलू का कंप्लेन बेंगलुरु एफसी के खिलाफ, लेकिन बेंगलुरु एफसी की तरफ से अभी तक कुछ भी अपडेट हमें पता नहीं चल रहा है। क्या वो सोच रहा है एरिक पर्टेलू को लेकर उसको ही मालूम है। हम लोग उम्मीद करेंगे कि दोनों के बीच अभी जो अनबन चल रहा है वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाए और हम लोगों के सामने एक अच्छा रिपोर्ट आ जाए कि भाई एरिक पर्टेलू बाहर जा रहा है या उनके टीम के साथ ही कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन एरिक पर्टेलू कंटिन्यू कह रहा है कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है बेंगलुरु एफसी के मैनेजमेंट द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है आई लीग साइड श्रीनिधि डेकन एफसी की तरफ से। श्रीनिधि डेकन एफसी ने आज एक नया इंडियन खिलाड़ी को साइन किया है जिनका नाम है सूरज रावत। इससे पहले वो खेल रहा था मोहम्मदन एफसी में, मोहम्मदन की तरफ से भाई 11 अपीयरेंस पे एक गोल भी है उनका, और उससे पहले केरल ब्लास्टर एफसी के बी और मेन टीम को भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया है 2018 से लेकर 2020 तक। 2019 में वो इंडियन एयरोज में शिफ्ट हुआ था, वहाँ पर जाकर भी भाई खेला, लोन डील में था इंडियन एयरोज के साथ। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है भाई केरला ब्लास्टर एफसी की तरफ से। केरला ब्लास्टर एफसी के हेड कोच ने कुछ बराबर स्टेटमेंट रख दिया है। केरला ब्लास्टर एफसी के हेड कोच ने अपने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा है कि वी विल ट्राई टू साइन प्लेयर्स वी नीड नॉट जस्ट फॉर वन सीजन। केरला ब्लास्टर एफसी विल ट्राई टू बिल्ड अप ए नाइस प्रोजेक्ट विथ कॉन्सिस्टेंस एंड पॉजिटिव माइंडसेट। तो यहाँ से हमें यह पता लग रहा है कि केरला ब्लास्टर एफसी अभी लॉन्ग टर्म में सोच रहा है, जितना भी खिलाड़ी को साइन कर रहा है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए ही साइन कर रहा है और अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। मुझे लग रहा है कि इस बार केरला ब्लास्टर एफसी कुछ अच्छा कर सकता है। लगातार आप लोग देख सकते हो कि अपना जो माइंडसेट हो बदलते ही आ रहा है। अगर कोई हेड कोच यहाँ पर आकर उनका एक्सपेक्टेशन में फुलफिल नहीं हो पा रहा है तो उसको बाहर किया जा रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार इवन जो आया है वो एक अच्छा कोच है और केरला ब्लास्टर एफसी इनके साथ कुछ सालों तक कंटिन्यू करना चाहेगा या 2 साल तो कंटिन्यू कर ले एक कोच के साथ, तभी तो उनको पता चलेगा कि अगर हमारा फ्यूचर क्या है इस कोच के साथ। सिर्फ 1 साल या भाई हाफ साल में ही कोच निकल जाता है इस टीम से। तो अभी केरला ब्लास्टर एफसी अपना माइंडसेट मुझे लग रहा है कि चेंज कर दिया और लॉन्ग टर्म में सोच रहा है, इस कोच के स्टेटमेंट से हमें क्लियर होते हुए दिखाई दे रहा है। और इसके बाद उन्होंने प्री सीजन को लेकर भी एक बात कह दिया है। उन्होंने कहा है कि वी वुड लाइक टू ऑर्गेनाइज ए गुड प्री सीजन विथ डिफरेंट फ्रेंडली गेम अगेंस्ट इंटरनेशनल टीम, यानी कि वो बाहर जाकर खेलना चाह रहा है। कतर में जाकर इनका एक प्री सीजन होना था इस बार, लेकिन उसके बारे में अभी तक कुछ ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी हमें पता लग जाएगा, लेकिन वो भाई प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया है
कोची में इस तरह का अपडेट ऑलरेडी मैंने आपको दे दिया है, प्रैक्टिस चल रहा है, लेकिन बाहर जाकर वो प्रिसीजन करने की कोशिश करें। अभी तक कुछ कंफर्मेशन बाहर से नहीं आया है कि किस तरीके से इस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया जाए। जब भाई सब कुछ सेट हो जाएगा, मुझे लग रहा है कि केडर स्टेपसी बाहर चला जाएगा और बड़े बड़े टीमों के विरुद्ध वो परफॉर्म करेगा। खास करके एशिया में जितना अच्छा अच्छा टीम है उनके विरुद्ध तो हमें खेल देखने को मिलेगा, केडर स्टेपसी का फ्रेंडली मैचेस। और इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है भाई ड्रोन कप को लेकर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ड्रोन कप इस बार कमबैक कर रहा है और ड्रोन कप इस बार होने वाला है, ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। और इसकी स्टार्टिंग डेट को लेकर भाई मरकस को पूछा गया था ट्वीट में और उन्होंने जवाब दिया है कि 5 सितंबर को स्टार्ट हो सकता है ड्रोन कप इस बार, लेकिन अभी तक क्लबों के साथ टीमों के साथ एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके लिए फिक्स्चर बनाने में दिक्कत हो रहा है और फिक्स्चर जब बन जाएगा भाई तब हमें भी पता चल जाएगा, लेकिन अभी तक फिक्स्चर तैयार नहीं हुआ है क्योंकि क्लबों के साथ एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं है ड्रोन कप के मैनेजमेंट का, इसीलिए हमें वेट करना पड़ रहा है। लेकिन सितंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा ड्रोन कप, अभी तारीख तो 5 सितंबर बताया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है भाई आई लीग के एक और साइड मोहम्मद अनिस की तरफ से। मोहम्मद अनिस ने आज एक अपने इंडियन खिलाड़ी को रिटेन कर लिया है, उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया है, जिनका नाम है भाई सुजीत सधू। उनके साथ एक साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हो चुका है। 28 साल का एक सेंटर बैक है और 7 अपीयरेंस भी है भाई लास्ट सीजन में इनका मोहम्मद अनिस के साथ। और ऑफिशियली अपडेट आ चुका है कि सुजीत एक और साल कंटिन्यू करेगा मोहम्मद अनिस के साथ। और इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है एटीके मोहन बगान की तरफ से भाई। एटीके मोहन बगान एफसी कप के लिए अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है। कल ही हबास और जॉनी काको पहुंच चुका था कोलकाता में और आज वो ग्राउंड में जाकर भाई प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दिया है। कुछ दिनों से इंडियन खिलाड़ी एकजुट होकर जिम सेशन कर रहा था और उनका जिम सेशन कम्प्लीट होकर अब वो भाई ग्राउंड में उतर चुका है। साथ साथ हुगो का भी भाई एक रिपोर्ट आ चुका है, हुगो कल रात ही कोलकाता पहुंच चुका है इस तरह का रिपोर्ट है। और उनका फोटो शायद अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, जब रिलीज़ होगा मैं आपको शो कर दूंगा। मैं ढूंढ रहा हूं वीडियो एडिटिंग करने के वक्त, अगर मुझे मिल जाता है तो मैं आपको दिखा दूंगा, अगर नहीं मिलता है तो किसी और वीडियो में शो कर दूंगा। लेकिन रिपोर्ट हमारे पास पहुँच चुका है कि हुगो कोलकाता कल रात को ही पहुँच चुका था, 27 जुलाई के रात को पहुँच चुका था हम लोग कह सकते हैं, या 28 जुलाई के रात को, थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन कल मैं बता रहा हूँ कि पहुँच चुका है कोलकाता में हुगो। इसके बाद नेक्स्ट जमशेदपुर एफसी की तरफ से एक अपडेट आ रहा है और एटीके मोहन बगान से रिलेटेड है। एटीके मोहन बगान के एक्सपीरियंस मिडफील्डर प्रणय हालदार लोन डील में जा रहा है भाई जमशेदपुर एफसी में, क्योंकि एटीके मोहन बगान के साथ उनका डील 2023 तक है और हबस ने कहा है कि अभी भी प्रणय हालदार उनके प्रोजेक्ट में है, तो प्रणय हालदार को एकदम ही वो नहीं छोड़ सकता है, अभी लोन डील में भेज सकता है किसी दूसरे टीम में। जमशेदपुर एफसी यहां पर अपना इंटरेस्ट दिखाया था उनके ऊपर, जमशेदपुर एफसी के साथ अभी एटीके मोहन बगान का बातचीत चल रहा है, मुझे लग रहा है कि फाइनलाइज हो जाएगा। और भी दो क्लब ने इनके ऊपर इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन अभी जमशेदपुर एफसी सबसे ऊपर है और जमशेदपुर एफसी में ही प्रणय हालदार शिफ्ट होने जा रहा है लोन डील में एक सीजन के लिए और फिर से वो एटीके मोहन बगान में कमबैक हो जाएगा। लेकिन यहाँ से हमारे दिमाग में क्वेश्चन जग रहा है कि भाई क्या पूरा कंप्लीट हो चुका है एटीके मोहन बगान में, क्योंकि सेंटर डिफेंस मिडफील्ड में अगर प्रणय हालदार बाहर जा रहा है एटीके मोहन बगान से तो उस जगह को फुलफिल कौन करेगा। तो अपुया है एक खिलाड़ी जिसका नाम हमारे दिमाग में भी आ रहा है, तो हम लोग यहाँ से थोड़ा बहुत मजा ले सकते हैं कि भाई अपुया एटीके मोहन बगान में कन्फर्म हो चुका है अंदर ही अंदर, क्योंकि प्रणय हालदार निकल रहा है। भाई मैं अभी आपको यहाँ पर स्पेकुलेट करके बता रहा हूँ, कुछ ज़्यादा अब लोग बढ़ चढ़ कर नहीं बोलिए, मुझे भी अभी तक ऑफिशियल इसके बारे में कुछ पता नहीं चला है। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही, आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।